बिज तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहते हैं, लेकिन हाल ही में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पीएम राज्य को घेरते नजर आए। उन्होंने वैट घटाने की क्या अपील की कि इसको लेकर बवाल हो गया। प्रधानमंत्री ने विपक्षी मंत्रियों से कहा कि केंद्र ने नवंबर के महीने में एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, अब आपकी बारी है। हालांकि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष की ओर से फिर भी जारी हमले को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मोदी काल में पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि सबसे कम 30% हुई है, न कि 80%, जबकि मूल वेतन में दशकों से लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही सरकार विभिन्न श्रेणियों के तहत लोगों को मुफ्त योजनाएं दे रही है। बीजेपी शासित राज्य गैर बीजेपी शासित राज्यों से आधा वैट वसूल रहे हैं। बीजेपी और गैर बीजेपी राज्यों के बीच पेट्रोल की खुदरा कीमतों में 15 से 20 रुपए का अंतर है। पेट्रोल डीजल पर केंद्र पहले 32 रुपए का एक्साइज शुल्क लेता था, जिसमें कटौती की गई है। अब राज्यों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री ने। 10 पैसे, केरला 27 रुपीज 24 पैसे, वेस्ट बंगाल 26 रुपीज 24 पैसे। Lowest in this is 26 rupees 24 paise, highest is 32 rupees. What are the BJP states? Uttarakhand 14 rupees, Uttar Pradesh 16 rupees, Gujarat 16 rupees, Himachal 16 rupees, Assam 17 rupees. Exactly half or thereabouts. Now, I don't know what you collected or what you are doing, the kind of responses that the Honorable PM said, but you also collect some cess. Somebody said you also charge some import. That's neither here nor there. The cost of petrol and diesel made available to the consumer at the point of retail, what are the prices? Now, this is what it ends up with. In Rajasthan, it is 118 rupees. I'm talking about the retail price on petrol. 118 rupees as on 27th April. Today we are on 29th, right? In Maharashtra it is 120 rupees. In West Bengal it is 115 rupees. In Andhra it's 120 rupees. In Telangana it's 119. All at around 120. Take the price in the other places where there are BJP states. Let me give you an example. In Uttar Pradesh, Lucknow, 105 rupees. In Goa, 106 rupees. In Mizoram, 104 rupees. 15-20 रुपए का फर्क सीधा, it's upfront. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आगे कहा कि केंद्र पेट्रोल डीजल को जीएसटी के तहत लाने में प्रसन्न होगा, लेकिन सच ये है कि राज्य इसके लिए तैयार नहीं है। वे पेट्रोल डीजल और शराब के राजस्व से हत्या करते हैं। जब कर्ज बढ़ जाता है तो वे दूसरों को दोष देते हैं। My understanding is the center would be quite happy to consider bringing petrol and diesel into DST. If I want to just remind you, I think the Kerala High Court in fact provided a directive, gave a directive that this issue of petrol and diesel being covered by GST should be put on one of its council meetings. And I think the last meeting of the GST council, or one before that, took place in Lucknow, where it was taken up. And the fact of the matter is that the states were not willing. Look, the states make a killing. They make a killing out of two things. Petrol, that is petrol and diesel revenue, and alcohol. Therefore, I have always found it remarkable that these are the two areas that they will go on saying. The rest is narrative. Ki, if I spend my way into, let's say, total debt and produce an untenable situation, blame somebody else for it. I mean, Punjab is a case in point. बता दें, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। विपक्ष कीमतों को लेकर सरकार से सवाल कर रहा है, लेकिन हिसाब के तौर पर दिल्ली का डेटा देखें तो यहां 16 अप्रैल 2022 को पेट्रोल की कीमत
56.32 रुपए प्रति लीटर है, लेकिन विभिन्न टैक्स को जोड़ने के बाद आपको और हमें ये 105.41 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है। दरअसल एक लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस 56.32 रुपए है, वहीं फ्राइट 20 पैसे प्रति लीटर देना होता है। इस तरह एक लीटर पेट्रोल आपको 56.92 रुपए प्रति लीटर पड़ता है। वहीं एक लीटर पर एक्साइज ड्यूटी 27.90 रुपए और वैट 17.13 रुपए देना पड़ता है। इसके अलावा 3.86 रुपए की डीलर कमीशन भी देनी होती है। इस तरह दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कुल कीमत 105.41 रुपए प्रति लीटर हो जाता है। देखें तो एक लीटर पेट्रोल के लिए दिल्ली की जनता 45.03 रुपए टैक्स चुकाती है और इसमें से केंद्र की जेब में ही एक लीटर पेट्रोल पर टैक्स का 27.90 रुपए जाता है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो दिल्ली में डीजल की कीमत 57.94 रुपए प्रति लीटर है, जो टैक्स के बाद 96.67 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है। एक लीटर डीजल का बेस प्राइस 57.94 रुपए है, वहीं फ्राइट 22 पैसे प्रति लीटर देना होता है। एक लीटर डीजल आपको 58.16 रुपए प्रति लीटर पड़ता है। एक्साइज ड्यूटी 21.80 रुपए और वैट 14.12 रुपए देना पड़ता है। इसके अलावा 2.59 रुपए की डीलर कमीशन है। इन सबको मिलाकर देखें तो दिल्ली में एक लीटर डीजल की कुल कीमत 96.67 रुपए प्रति लीटर हो जाता है और एक लीटर डीजल के लिए 35.92 रुपए टैक्स चुकाना पड़ता है और इसमें केंद्र को प्रति लीटर डीजल पर टैक्स के रूप में 21.80 रुपए जाता है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री की राज्यों से वैट घटाने की अपील पर केवल विपक्ष हंगामा करेगा या फिर राज्य सरकारें इस पर कोई जनता के हित में फैसला भी लेगी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तो पेट्रोल डीजल को लेकर साफ कह दिया है कि केंद्र ने एक्साइज शुल्क में कटौती की है और अब राज्यों की जिम्मेदारी बनती है और उन्हें अब जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आपको हमारा आज का यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल बिज तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।